हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरा एक नया वीडियो में स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारिणी फैब्रिकेशन ज्ञान। हम आज इस वीडियो में सीखेंगे पाइपलाइन का के इम्पोर्टेंट आइटम के बारे में, उसको लेआउट कैसे मारते, उसको मार्किंग कैसे करते। वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान से देखोगे समझोगे तो आराम से आप मार्किंग कर सकते। उसका नाम है इसेंट्रिक कोन। इसेंट्रिक रेड्यूसर कैसे फैब्रिकेशन करते, कैसे लेआउट मारते, मैं आपको डिटेल्स प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा। आप मेरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपका दोस्त को मेरा चैनल के बारे में मालूम नहीं है, वो फिटर या फैब्रिकेटर काम सीखना चाहता है, उसके पास भी शेयर कीजिए। उसके पास अगर शेयर करेगा तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ फायदा होगा, क्योंकि वो अगर काम सीखेगा, कुछ फिटर या फैब्रिकेटर बनेगा तो आपका नाम जरूर लेगा। इसीलिए हर कोई सीखना चाहता है, उसके पास शेयर जरूर कीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, चलिए चलते अपना पीसी का पर। मैं आपको लेआउट मार के प्रैक्टिकल में बताता हूँ इसेंट्रिक कोन या रेड्यूसर कैसे लेआउट मारते, कैसे मार्किंग करते, बिल्कुल प्रैक्टिकल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इसेंट्रिक कोन कैसे लेआउट मारते, उसको कैसे मार्किंग करते। मैं पहले इसेंट्रिक कोन एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप नहीं देखे तो देख सकते। आज मैं इसेंट्रिक कोन का लेआउट कैसे मारते, उसको मार्किंग कैसे करते आपको बताऊंगा। अभी देखिए, मैं एक डायग्राम ड्रा करके रखा हूँ। अभी ऊपर का डाया देखिए 500, नीचे का 300, स्मॉल डाया 300, बिग डाया 500, हाइट है 300। ये कोन को, ये रेड्यूसर को आप मैं मार्किंग करके लेआउट मार के आपको दिखाऊंगा कैसे लेआउट मारते, कैसे उसको ये करते। पहले आप एक प्लेट में लाइन ले लीजिए 500 का, क्योंकि अपना बिग डाया 500 है। अभी उसमें एक कॉर्नर से एक लाइन नीचे तक ले लीजिए, जितना भी ले सकते हैं आप, 2 मीटर ले लीजिए। बाद में आप बढ़ा सकते, कम कर सकते, वो करना पड़ता है। अभी 300 हाइट है। अभी ये जो ऊपर का लाइन 500 का लाइन है, उसमें से ऑफसेट पैरेलल में 300 ले लीजिए। इधर से टेप डाल के मार्किंग करके 300, इधर से 300 मार्किंग करके आप और एक लाइन ले लीजिए। ये लाइन लेने के बाद आपको नीचे का बॉटम डाया देखिए 300 दिया है। अभी ये मार्किंग से इधर ये लाइन पे 300 मार्किंग कर दीजिए। अब देखिए ऐसे 300 मार्किंग कर दीजिए। अब देखिए ये 500 है, ये 300 है, ये हाइट है, यहाँ से यहाँ तक 300 है। अभी ये लाइन, ये पॉइंट को ए पॉइंट के साथ मिला दीजिए लाइन डर सब पीछे करके। मिलाने का टाइम में ये लाइन को सीधा नीचे तक बढ़ाइए, लंबा कर दीजिए, क्योंकि ये जो लाइन को क्रॉस करना चाहिए। देखिए ऐसे, ये देखिए क्रॉस कर गया। अभी नीचे का लाइन मिटा सकते हैं जो ज़्यादा लाइन है। अभी देखिए इसको, ये जो ऊपर का डाया है 500 का, हम लोग लाइन लिए, उसका सेंटर ले लीजिए। उसके सेंटर से आप डिवाइडर रख के एक हाफ सर्कल बनाइए, मतलब 500 डाया का। मैं इधर ऑटोकैड में कर रहा हूँ, बोलते फुल सर्कल हो गया। आप हाफ सर्कल बनाइए ऐसे, ये हाफ सर्कल को कुछ डिवाइड करना।
आप 16 डिवाइड कर सकते हैं, 8 डिवाइड कर सकते हैं, 15 20 डिवाइड कर सकते हैं, 24 डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी। जितना बड़ा कोन होगा उतना ज़्यादा डिवाइड करेगा तो उतना अच्छा है मार्किंग करने के लिए। मैं उसको ये हाफ सर्कल का 8 डिवाइड करके आपको बताता हूँ। उसको डिवाइड करते कैसे करते हैं मैं कैलकुलेशन फार्मूला आपको बता देता हूँ। देखिए ये 180, ये हाफ फुल सर्कल रहने से 360 डिग्री होता है, ये हाफ सर्कल 180 डिग्री में है। अभी देखिए हम लोग 8 डिवाइड इसको करेंगे, 180 डिवाइड 8 इज इक्वल टू, देखिए 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री डिवाइड बाय 2 साइन इनटू 2 डाया भी अपना डाया है 500, 500 इनटू कर दीजिए। अब देखिए 97.54 आया, ये जो 97.54 आप उसको ये पॉइंट में डिवाइड रख के ऐसे 97.54 इधर एक पॉइंट, फिर इधर से डिवाइड रख के 97.54 यहाँ के पॉइंट, ऐसे 8 डिवाइड कर दीजिए। मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, देखिए थोड़ा फास्ट होगा बोल के। अभी देखिए मैं इसको 8 डिवाइड, देखिए मैं कर देता हूँ पहले, आपको थोड़ा लंबा होने दो लेकिन आपको अच्छा से सिखाऊंगा कैसे ये करते। अब देखिए मैं 8 डिवाइड करके आपको बता देता हूँ। ये 8 भाग में 8 डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यहाँ से मैं जो बोला था देखिए 97.5 क्या बोला था मैं, ये पॉइंट से डिवाइड रख के 97.5 इधर, ये पॉइंट से डिवाइड रख के 97.5 इधर, मैंने डिवाइड करने के लिए। अभी ये देखिए 97.5 है क्या नहीं है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बाद में जाएंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। अभी देखिए ए पॉइंट से ए पॉइंट तक देखिए 97.5। अभी ये डिवाइड होने के बाद आप ए पॉइंट से ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ए पॉइंट से डिवाइडर रख के ये जो पॉइंट आया ए पॉइंट को एक चाप घुमाइए। मैं ऑटोकैड कर रहा हूँ बोल के पूरा डाया घूम जाता। अभी देखिए ऐसे चाप घुमाइए, ये लाइन को क्रॉस करना चाहिए। अभी सेकंड सेकंड पॉइंट, फिर यही पॉइंट में डिवाइडर रख के अभी देखिए ये सेकंड जो मार्किंग किया सेकंड पॉइंट में उसमें एक चाप घुमाइए। ऐसे आप पूरा पॉइंट को यही पॉइंट एक ही पॉइंट में डिवाइडर रख के सेंटर पॉइंट ये रख के उसको पूरा पॉइंट को ऐसे चाप घुमाइए। देखिए मैं इधर करके रखा हूँ, अभी ए पॉइंट से इधर घुमाया, ए पॉइंट से इधर, ए पॉइंट से इधर, यही एक ही पॉइंट से। ये घुमाने के बाद ये चाप लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए ये जो लाइन को क्रॉस किया है ए पॉइंट से ए पॉइंट को लाइन डोरी मार दीजिए। अभी देखिए मैं जैसे मार के रखा हूँ ऐसे मार दीजिए, मारने के बाद आपको ये जो लाइन उसको ए पॉइंट से ए बटन नीचे तक
कितना लेंथ है उसको नोट करके रखिए। अभी देखिए मैं इधर नोट, इधर मैं नोट कर लिया हूँ। देखिए इधर यहाँ से यहाँ तक है 750, अभी ए पॉइंट से ए पॉइंट तक 756.1, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक 774.0, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक 799.8, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक 729.1, ये सब नोट करके रखिए। ये नोट करने के बाद आप नीचे का भी नोट कीजिए। अभी ए पॉइंट से देखिए, ए पॉइंट से यहाँ तक कितना है, देखिए मैं इधर नोट करके रखा हूँ ये नीचे का लाइन तक। अभी ए पॉइंट से यहाँ तक देखिए 450 है, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक 453.6 है, सॉरी 8 है। अभी ए पॉइंट से ए पॉइंट तक 464.4 है, अभी ए पॉइंट से ए पॉइंट तक 479.9 है। ऐसे आप ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। अभी देखिए ये पॉइंट नोट कर लेना, ये लाइन जितना है यहाँ से यहाँ तक। अभी सेकंड लाइन ये यहाँ से यहाँ तक, ये सब नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको ये सब का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आइए एक प्लेट के ऊपर जिधर मार्किंग करते हैं आप डायरेक्ट। अभी एक लाइन ले लीजिए, कितना लाइन 750 लेंथ का एक लाइन ले दिए, क्योंकि हमारा इधर 750 है फैट लाइन। ये लाइन लेने के बाद आपको एक पॉइंट से, ये जो पॉइंट है अपना फर्स्ट लाइन कितना है, अभी देखिए 756.1, अभी 756.1 वन का एक स्टेप ले लीजिए। अभी सेकंड लाइन वही सेम पॉइंट से, अभी सेकंड लाइन कितना है, अभी देखिए 774.0, 774.0 ऐसे पूरा जितना लाइन नोट किए ये लेंथ निकाले, वो लेंथ का एक एक चाप ले लीजिए। एक चाप लेने के बाद फिर नीचे का ये जो मेजरमेंट लिए थे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, उसका भी यही पॉइंट से रख के और एक एक चाप घुमाइए। देखिए मैं पहले एक चाप घुमा देता हूँ। अब देखिए ये फर्स्ट लाइन है 450, अभी ए पॉइंट से ए पॉइंट 450, ए पॉइंट को सेंटर करके 450 रेडियस का एक चाप ले लीजिए। सेकंड लाइन है 453.8, अब देखिए ए पॉइंट से सेम पॉइंट 453.8 ऐसे, और एक ले लीजिए। ये थर्ड लाइन है देखिए 464.4, अभी देखिए ये पूरा लाइन ले लीजिए जितना भी। अभी यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा लाइन भी ले लीजिए ए पॉइंट से ए पॉइंट तक, और ये छोटा लाइन भी ए पॉइंट से ए पॉइंट तक जितना है ये सब ले लीजिए। मैं ऑलरेडी लेकर रखा हूँ, देखिए ये पूरा लाइन मैं लेकर रखा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा से कम समय में आपको समझा सकूँ। अभी देखिए ये लाइन लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 97.5, ये जो 97.5 यहाँ से यहाँ तक हम लोग 8 डिवाइड किए थे उसको, उसको एक भाग 97.5 डिग्री आया, 5 आया। अभी 97.5 को क्या करना, आप इधर से डिवाइडर सेट करके ए पॉइंट को ए पॉइंट डिवाइडर सेट करके ले लीजिए। अभी ये जो फर्स्ट लाइन ए पॉइंट से इधर को 97.5, इधर को 97.5, इधर ये जो सेकंड लाइन तक, सेकंड लाइन को जहाँ क्रॉस करता है वो, अभी वो उधर एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे मैं एक देखे ए सर्कल घुमाया, इधर एक पॉइंट लिया, फिर ए पॉइंट से और एक 97.5 इधर को, ए पॉइंट से फिर 97.5 इधर को, ये थर्ड लाइन को किधर क्रॉस करता देखिए, थर्ड लाइन को उधर एक पॉइंट ले लीजिए। मैं देखे जैसे पॉइंट लिया ऐसे ले लीजिए, फिर थर्ड पॉइंट से इधर डिवाइडर रख के 97.5 और एक चाप ले लीजिए। अभी इसमें देखिए ये फोर्थ लाइन को कहाँ क्रॉस करता है, वहाँ के पॉइंट मार्किंग कर दीजिए।
ऐसे मार्किंग करते करते आप लास्ट तक आ जाइए। ऐसे अभी देखिए, ये पॉइंट से डिवाइड रख के और एक चाप ले लीजिए, ये लास्ट पॉइंट किधर टच करता है, ये लास्ट तक आइए। लास्ट तक आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट से ये जो मार्किंग है, ये पॉइंट से ए पॉइंट को मिला दीजिए, ए पॉइंट को ए पॉइंट मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपको ये पॉइंट पूरा टोटल पॉइंट मिला दीजिए, ए पॉइंट से इधर देखिए, ये जो मार्किंग किया है ध्यान से देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट है। आपको समझा, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम वही है पाइपलाइन में, ये सब एसेंट्रिक कोण। अब देखिए, ये पूरा पॉइंट ऐसे मिला दीजिए, मैं मिला कर रखा हूँ, देखिए ये पॉइंट मिला दीजिए। ये मिलाने के बाद देखिए, ये पूरा एवरी पॉइंट में, ये फर्स्ट लाइन पॉइंट इधर मिला दिया, सेकंड लाइन पॉइंट इधर मिला दिया, थर्ड लाइन पॉइंट इधर मिला दिया, सेंटर में मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप देखिए, ये लास्ट लाइन का लाइन है, ये लास्ट लाइन का पॉइंट है, इसमें देखिए लास्ट लाइन किधर क्रॉस किया, ये इधर एक पॉइंट ले लीजिए। अभी देखिए, इधर सेकंड लाइन का पॉइंट है, ये सेकंड लाइन देखिए इधर किधर क्रॉस किया, ये लाइन में इधर एक पॉइंट ले लीजिए। ऐसे थर्ड लाइन देखिए, इधर थर्ड लाइन में किधर क्रॉस किया, उधर एक पॉइंट ले लीजिए। फोर्थ लाइन, ये फोर्थ लाइन है देखिए, ये 1 2 3 4 फोर्थ लाइन है, ये फोर्थ लाइन इधर किधर क्रॉस किया, उधर एक पॉइंट ले लीजिए। अब फिफ्थ लाइन, ये जो लाइन डर मारा है, ये पॉइंट किधर क्रॉस किया फिफ्थ लाइन में, उधर एक पॉइंट ले लीजिए। ये पॉइंट लेने के बाद देखिए, मैं पॉइंट लेकर रखा हूँ, अब देखिए फर्स्ट इधर, सेकंड सेकंड लाइन में, थर्ड थर्ड लाइन में, फोर्थ फोर्थ लाइन में, अभी फिफ्थ फिफ्थ लाइन में, सिक्स्थ सिक्स्थ लाइन में, सेवेंथ सेवेंथ लाइन में, एट एट लाइन में। ये पॉइंट नोट करके ये पॉइंट ले लीजिए। ये पॉइंट लेने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा, देखिए अभी ये सब आप मिटा सकते हैं, जैसे देखिए अभी देखिए, ये मिटा दिया मैं, आपको इस तरह देखिए दिखाएगा। ये पॉइंट को आप डायरेक्ट स्केल से मिला दीजिए, स्केल से होने तो लाइंडर होने से कुछ भी होने दो, अभी ये पॉइंट को पूरा मिला दीजिए। अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए अभी ये जो पॉइंट है उसको मिला दीजिए, देखिए मैं मिला के दिखा देता हूँ, ये पॉइंट अभी ऐसे इसको ऊपर वाला मिला दीजिए पूरा पॉइंट, नीचे वाला भी पूरा पॉइंट मिला दीजिए। देखिए ए पॉइंट को, ए पॉइंट, अभी ये जो पॉइंट लिए मार्किंग किए, ए पॉइंट को ए पॉइंट, ए पॉइंट को ए पॉइंट, आप लाइन डोरी नहीं तो स्केल में ये सब किसी में भी मिला सकते हैं। जितना बड़ा कोण होगा उतना ज़्यादा डिवाइड करने से आपको अच्छा रहेगा। ये मैं 500 का कोण बोल के मैं 8 सिर्फ हाफ सर्कल को 8 डिवाइड किया था। अभी आपको अब यही 500 कोण को 24, 36, 32 ये सब डिवाइड कर सकते हैं। खाली मैं 8 किया बोल के ऐसा नहीं है जी, 8 में ही खाली डिवाइड होता है ये सब। देखिए ये पॉइंट मिला दीजिए, पूरा मिलाएगा तो बहुत टाइम पकड़ लेता है। अभी देखिए ये मिलाने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा। ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये सब मिटा देना। ये मिटा देगा तो आपको देखिए ये सब निकाल देना, ए लाइन, खाली ए लाइन, ए लाइन छोड़ के ये सब बाहर का लाइन छोड़ के ए लाइन मिटा देना। अभी देखिए मैं आपको मिटा कर दिखा देता हूँ, ये आपका कोन हो गया। आप ऐसे कटिंग कर सकते हैं, ऐसे कटिंग करने के बाद आप रोल करेगा तो आपको
इस तरह का इसेंट्रिक कोण बाय रेड्यूसर, कोई कोई कोण बोलते, कोई कोई रेड्यूसर बोलते, मिल जाएगा आपको इस टाइप का। अगर मेरा वीडियो थोड़ा आपको अच्छा लगा, थोड़ा सीखने के लिए कुछ मिला, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज का वीडियो यही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।